हमारे तीन गोल्डन चाकोनी स्पाइडर्स आ चुके हैं। नमस्ते दोस्तों, गैर फॉर पेट्स पर आपका फिर से स्वागत है। सो दोस्तों, आज का भी वीडियो बहुत मजेदार और रोमांचक होने वाला है, क्योंकि आज हम वापस से अनबॉक्स करने वाले हैं तीन स्पाइडर्स को। सो ये आया है, इम्पोर्ट किया गया है इसे, और सबसे बेस्ट चीज बता दो आपको, हमारे जो फ्रॉक्स है वो दोनों सही है, मतलब अच्छे से है। और जो हमारा पहला वाला स्पाइडर था जैसे आपने देखा, अगर नहीं देखा होगा तो वो भी वीडियो देखो आ रही होगी ऊपर, और फ्रॉग वाला वीडियो भी आ रहा होगा ऊपर। बट अगर आपने दोनों वीडियोस नहीं देखा है तो आपको पहले वो देख लेना चाहिए, क्योंकि ये सारे एक लाइन में ही है। दोस्तों हमारे तीन गोल्डन चाकोनी स्पाइडर्स आ चुके हैं, स्लिंग है, बेबीज है, बहुत छोटे बेबीज है, तो हम इसे खोलने वाले अभी बहुत ध्यान से। इनके स्लिंग्स का मैंने सेटअप बना के रखा है, दो तीन आने वाले हैं, तो दो मैंने स्मॉल बॉक्स में रखा और एक थोड़े बड़े बॉक्स में रखा। आप साइजेस देख सकते हैं इनके, देख रहे हो, तो आप सोचोगे ऐसा क्यों किया है मैंने। तो दोस्तों मैं एक को बड़े साइज में रख के देखना चाहता हूँ कि इसकी ग्रोथ कितनी होती है, बस वो एक रीजन है और कुछ नहीं है। वैसे तो स्लिंग्स को हमें छोटे बॉक्सेस में ही रखने चाहिए, बट फिर भी ये मेरे ट्रायल के हिसाब से। तो दोस्तों अगर आपको ये ऐसे स्लिंग्स चाहिए टेरेंटुलास के, तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको 2500 से 3000 के रेंज में मिल जाएगा रिटेल में, और हम होलसेल में भी सेल करते हैं। सो अगर आपको होलसेल में भी लेना होगा तो हमें कांटेक्ट कीजिए। तो दोस्तों चलो इसे खोल देते हैं अब हम। तो पहले हमारा जो इनवॉइस है उसे हटा देते हैं, थोड़ा देखते हैं इसका अपसाइड कौन सा, हमें वो नहीं दिख रहा है। सो चलो कोई नहीं, हम इसे नॉर्मली खोल देते हैं। तो यही अपसाइड है, मुझे यहीं से काटना होगा। तो हाँ दोस्तों यही अपसाइड है, तो ध्यान दीजिए हमेशा काटते वक्त। तो ये हमारा बॉक्स खुल चुका है एक साइड से। दोस्तों जिसने भी हमें ये भेजा है उसने पैकेजिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत कागज डाले हैं ताकि हमारे जो अंदर के स्लिंग्स है वो बिल्कुल भी हिले ना। तो पैकेजिंग देख सकते हो आप दोस्तों, इसमें हमारे स्लिंग्स है, ठीक है, इसमें हमारे स्लिंग्स है, ये हमारा पैकेजिंग है। इसमें बहुत ही अच्छे से फिट किया गया था, सो आपके स्लिंग्स हिलेंगे नहीं, उनको थोड़ी भी तकलीफ नहीं होगी। सो चलो अब इस पैकेजिंग को साइड में रखते हैं और हमारे मेन पैकेज को देखते हैं फटाफट। तो इसे भी हमें बहुत केयरफुली खोलना होगा, बट हमें अपने हाथों का भी ध्यान रखना होगा दोस्तों, क्योंकि ब्लेड बहुत शार्प होता है। तो हमारा ये तो खुल ही गया है ऑलमोस्ट, तो टेप को भी निकाल लेते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिए कि आपको ये डब्बे को गिराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं गिराना है, और बहुत ही अच्छी पैकेजिंग के साथ आप देख सकते हो हर एक पीस में, मतलब इसको डैमेज होने का कुछ चांस ही नहीं है दोस्तों, कुछ भी चांस नहीं है। तो एक एक निकालते गए, और इसमें हमारे स्लिंग्स है, तो उसको एक एक करके हम एक एक स्लिंग को डालेंगे अब। तो ये हम हमारा फर्स्ट बॉक्स खोलेंगे। तो हमने उसमें कोकोपीट डाल के ऑलरेडी इसका सेटअप रेडी किया। और दोस्तों हमेशा याद रखिए, आप कोई भी पेट लेने से पहले, मैंने मेरे पहले के भी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पेट लेने से पहले आप उसका सेटअप रेडी कीजिए और फिर वो पेट को लीजिए। और दोस्तों एक छोटी सी स्टिक जो आपको उनको निकालने के लिए लगेगी। तो ये हम सबसे पहला कंटेनर खोल रहे हैं, तो वो बहुत ही स्ट्रेस में है मुझे लग रहा है, बट चलो मैं एक टॉन्ग यूज कर रहा हूँ, आप देख सकते हो एकदम प्यार से हमें इस टिश्यू पेपर को खींच के बाहर निकालना होगा, ओके, बिना स्पाइडर को डैमेज किए। तो हमने ये टिश्यू पेपर को बहुत ही जेंटली पुल आउट करना होगा, और हमने इस टिश्यू पेपर को ही डाल दिया हमारे स्लिंग बॉक्स में, और अब हम जेंटली इस टिश्यू पेपर को खोलेंगे ताकि हमारा स्पाइडर इसमें से डायरेक्ट बाहर निकल जाए। हमारा पहला चाको गोल्डन नी देखो सेट हो चुका है अंदर, ठीक है, अब हम
हमारे, और देख सकते हो आप दोस्तों ये यहाँ पर है, घूम रहा है अच्छे से, तो ये बिल्कुल भी ज्यादा स्ट्रेस पे नहीं है। तो हम इसका बॉक्स बंद कर देते हैं और बाकी के दो लोगों को निकाल देते हैं। तो हमें उसे भी यही तरीके से निकालना होगा जैसे हमने पहले वाले स्पाइडर को निकाला था। पहले ये टिश्यू को निकालिए बाहर, इसे एकदम आराम से इसके अंदर प्लेस कीजिए। बहुत पसीने छूट रहे, पता है स्लिम्स का यही टेंशन होता है क्योंकि उनको आपको बहुत अल्टीमेट केयर देना होता है बहुत। तो आप देख सकते हो हमारा दूसरा चाकू स्लिम यही पर है, देख सकते हो दोस्तों उसे एकदम आगे ही है, ज्यादा दूर नहीं ज्यादा अंदर नहीं। तो हमारा थर्ड पर्सन तो देखो भारी है पूरा, मतलब अंदर है ही नहीं, तो इसे निकालने के लिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो सबसे इजीली हमने हमारे थर्ड स्लिंग को निकाला, देखो बिना उस टिश्यू का निकाले, देखो दोस्तों सारे स्लिंग्स एक्टिव है, कोई भी इनएक्टिव नहीं पीस है। दूसरा वाला भी देखो हमारा यहीं पर है, देखो ठीक है, इनको अपना घर पसंद आया है। और हमारा जो थर्ड टेरेंटुला है जो सबसे बड़े घर में है, ओ माय गॉड ये तो गायब भी हो गया है, नहीं वो हमारे आंखों के सामने यहीं पर है देखो। तो दोस्तों ये सारे स्लिंग्स है और सारे के सारे हेल्दी और एक्टिव पीसेज है, तो बहुत जल्द इनका फीडिंग वीडियो भी आने वाला है। तो अगर आपको ये सारी स्लिंग्स चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर दिया गया है नीचे। सो दोस्तों और आप हमारे स्टोर कभी भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो कमेंट करके जरूर बताइए क्यों पसंद नहीं आया। मिलते हैं आपको ऐसे ही अगले वीडियो में, फिर से नमस्ते।